यार मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 13 विद एंड्रॉयड 12 रोल आउट के बारे में। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको अपडेट नहीं मिली है, आपको मिल चुकी है, आती है अपडेट चली जाती है, बहुत कुछ हो रहा है, रेडमी 10 को अभी तक नहीं मिली है, रेडमी नोट 10 को नहीं मिली है। तो सारे आज यहाँ पर डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का। और यार अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। पहले बात करते हैं यहाँ पर Mi 10T, Mi 10 एंड Mi 10T Pro। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं इन डिवाइसेस के लिए क्योंकि ये फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस हैं लास्ट ईयर के। तो सुनने में आ रहा है जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसी महीने जो है वो यूरोप में इन सभी डिवाइसेस को अपडेट देखने को मिलेगी इन तीनों में ही, और इंडिया में नेक्स्ट मंथ आएगी, क्योंकि जब एक जगह आ जाती है तो दूसरे रीजन में भी देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, होपफुली अप्रैल के महीने में Mi 10T, Mi 10 एंड Mi 10T Pro तीनों में ही अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर Poco X3 Pro की। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यार आपको अभी तक अपडेट क्यों नहीं देखने को मिली है। तो दोस्तों Poco X3 Pro को जो है अपडेट मिल चुकी है MIUI 13.0.1.0 की SJUINXM, ये 3.1 GB की अपडेट है। अगर आप उनमें से हैं, आपको अभी तक अपडेट नहीं मिली है, तो यार थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी जो है वो मी पायलट टेस्टर को देखने को मिली है, बहुत ही जल्द आप सभी को मिल जाएगी वंस टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए। तो अभी जो अपडेट है ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी, होपफुली इसी महीने के एंड तक आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी Poco X3 Pro में MIUI 13.0.1.0 की। अगर आप लिंक से करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा लिंक है, यानी कि 3 GB की फाइल है। तो अभी रहने दीजिए, मेरे हिसाब से वेट कीजिए, अपडेट बहुत ही जल्द आप सभी को मिल जाएगी इसी महीने के एंड तक। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Pro Max की। तो यार अगर आप उनमें से हैं, अभी तक आपको अपडेट नहीं मिली है, तो यार थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी जो अपडेट है दोस्तों वो रोल आउट हो रही है, सभी को जो अपडेट है बहुत ही जल्द मिल जाएगी इसी महीने, फुल एंड फाइनल जो है वो पब्लिक रोल आउट होने वाला है, बस यार थोड़े ही दिन और हैं। जब भी आपको अपडेट आपके सेक्शन में मिले तो धड़ाक से जाकर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट के जो सर्वर हैं वो बिजी हो जाते हैं तो अपडेट रोक दी जाती है। तो बस अपडेट आए उसे कर लीजिए, ज़्यादा रोकिए मत, वरना जो है वो चली जाती है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, विद इन यार वीक सभी को, यानी कि सभी यूजर को अपडेट मिल जाएगी। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, मैंने इस पर फुल वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कैसे अपडेट कर सकते हैं मैन्युअली, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, आप आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो यार अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 10 की। तो इंटरनल बीटा टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, MIUI 13.0.6.0 की अपडेट जो है इंटरनल टेस्टिंग के लिए रिलीज कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल अपडेट है MIUI 13 की विद Android 12 फॉर Redmi Note 10। तो ये जो अपडेट है अभी भी इंटरनल टेस्टिंग में है, इसमें थोड़े बहुत बग्स आ चुके हैं, इसीलिए ये अपडेट जो है अभी रोक दी गई है। तो यहाँ पर न्यूज़ यही है कि MIUI 13.0.1.0 की अपडेट जो है एंड्रॉयड 12 के साथ पब्लिक में देखने को मिलेगी। ये जो लगभग है 3 GB की अपडेट होने वाली है, थोड़ी सी कमी होगी, और यहाँ पर ट्रैकर पे भी लिखा गया है इंटरनल बिल्ड फॉर इंडिया, तो अभी जो है अपडेट नहीं आई है, तो बग्स की वजह से थोड़ी सी डिले हो चुकी है। तो बात करें कि आपको ये अपडेट कब मिलेगी, तो ग्लोबल में फुल एंड फाइनल रोल आउट हो चुका है, पर इंडिया में अभी भी इंटरनल टेस्टिंग में है। तो उम्मीद है कि एंड ऑफ दिस मंथ जो है ये मी पायलट टेस्टर को देखने को मिलेगी, और उसके बाद अप्रैल के महीने में फुल एंड फाइनल रोल आउट होगा पब्लिक में, क्योंकि यहां पर बग्स की वजह से थोड़ी बहुत डिले आ गई है। तो ये थी Redmi Note 10 की इंफॉर्मेशन, धीरज रखिए यार अपडेट बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi 10 Prime की। तो यार Redmi 10 जो है वो ग्लोबल में Redmi 10 है और इंडिया में Redmi 10 Prime है, तो ग्लोबल में अपडेट देखने को मिली थी तो वो अपडेट सस्पेंडेड कर दी गई है, फुली बग्स आ चुके हैं, तो अभी इंडिया के लिए कोई भी अपडेट नहीं आई है, पहले ग्लोबल में आएगी तभी इंडिया में देखने को मिलती है। पर थोड़ा सा धीरज रखिए, उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में आपको इंडिया में Redmi 10 Prime में अपडेट देखने को मिलेगी। तो यह थोड़ी सी डिले आ चुकी है, पर धीरे से रखिए अपडेट आएगी जरूर विद MIUI 13 विद Android 12। तो दोस्तों यार यही सारी इंफॉर्मेशन थी इन सभी डिवाइसेस के बारे में, तो होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।